नमस्कार, बीसीएन न्यूज के खबरें सुपर फास्ट में मैं भाग्यश्री आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। जिले के नवनियुक्त विभागीय आयुक्त के पद पर आसीन प्राजक्ता वर्मा, इन्होंने सभी मीडिया पत्रकारों से बातचीत की और विदर्भ की समस्या, कोरोना की तीसरी लहर आदि विषय पर दिलखुलास चर्चा की। शहर के भारती कृष्णा विद्या विहार प्रबंधन स्कूल के विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रहने का काम करी है, जिससे विद्यार्थियों का भविष्य खतरे से गिरा है। ऐसा आरोप लगाते हुए तकरीबन 100 अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त नाराजगी जताई है। राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की मांग की तलवार अब भी लटक रही है, जिसके चलते ईडी की जांच उनके निवास स्थान पर हो रही है। इस बात को लेकर राष्ट्रवादी के प्रवक्ता प्रवीण कुंटे, इन्होंने भी जेपी पर हमला बोलते हुए ये कहा कि एक सोची समझी साजिश है। सदर के मंगलवारी में चल रहे हुक्का पार्लर पर पुलिस ने छापा मारा है। पुलिस ने हुक्का पार्लर के संचालक सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। कार्यवाही में एक नाबालिग भी मिला है। उत्कर्ष बिल्डिंग में कबाली कैफे के नाम से हुक्का पार्लर चलाया जा रहा था। जोन 2 के दल को इसकी भनक लग गई। उसने गुरुवार शाम वहाँ पर छापा मारा। शुक्रवार को पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर ईडी द्वारा की गई कार्यवाही का विरोध करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से अनिल देशमुख के निवास स्थान के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया, जिस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेटे समेत अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शुक्रवार की सुबह छापा मारा। शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे से ईडी की टीम अनिल देशमुख के नागपुर वाले घर पर छापेमारी की। ईडी द्वारा की गई इस कार्यवाही से अनिल देशमुख की समस्याएं बढ़ने के संकेत जताए जा रहे हैं। दिल्ली में कई राज्यों के किसान अपनी मांगों को लेकर आज भी आंदोलन कर रहे हैं। 7 माह बीत चुके हैं, फिर भी न्याय नहीं मिला है। इस बात को लेकर कामगार विद्यार्थी युवक संगठन की ओर से संविधान चौक पर आंदोलन करने की चेतावनी तिलक पत्रकार भवन में संगठन के कार्यकर्ताओं ने पत्र परिषद में दी है। इस मौके पर तमाम संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे। केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई नई नीति व राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक नागपुर जिले में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है। नागपुर शहर में बुधवार को 23,703 व गुरुवार को 20,035 लोगों को कोविड टीका लगाया गया है। विभागीय आयुक्त प्राजक्ता वर्मा ने निर्देश दिया है कि संभाग के ऐसे गांव, बस्ती, सड़कें जिनके नाम जातिवाचक हो, उन्हें बदलकर नए नाम देने के संदर्भ में आने वाले 15 अगस्त से पूर्व कार्यवाही पूर्ण करें। इसके लिए जातिवाचक नाम वाले गांव, बस्तियों, सड़कों की जानकारी एकत्र कर शहरी भाग के लिए नगर विकास विभाग नाम बदलने की कार्यवाही करें। बीसीएन न्यूज की खबरें सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।